भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो परिवार बचाओ न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, गांधी बचाओ परिवार बचाओ उसमें लगे हुए हैं। मोदी ने कुछ और नहीं किया, जो कांग्रेस उद्घाटन करके पत्थर गाड़ देती थी उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया, सुचारू ढंग से बढ़ाया। अच्छा। कांग्रेस ने गड्ढे दिया है, सही कहा है उन्होंने। मेरा ओनली कांग्रेस है, कांग्रेस आपकी चाहे जहाँ भी जाए, लेकिन लास्ट में पता चलेगा नरेंद्र मोदी साहब का ही बहुमत से सरकार बना। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हम चांदनी चौक पे मौजूद है, यहाँ जानने के लिए आए कि पहले चरण के बाद जनता का क्या मूड है और इस बार जनता क्या सोच रही है और 4 जून को किसकी सरकार बनाएगी। तो चांदनी चौक में कुछ लोग मौजूद है, सीधा इसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले ये बताइए, आप काम करते हैं आप? जी जी, काम करते। अच्छा, सरकारी नौकरी या प्राइवेट है? मैडम शाम तक पेट भर जाए जो है। अच्छा, ऐसी नौकरी है? ऐसी नौकरी है जी। अब पहला चरण चुनाव का खत्म हो चुका है, बहुत अच्छा। क्या लग रहा है, किस तरफ माहौल बन रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माहौल, तो जिनकी सरकार है उन्हीं साइड माहौल बन रहा है, उन्हीं की बन रहा है जी। तो विपक्ष का कुछ है, आप आएगी या नहीं सत्ता में वापस? ये तो 4 जून को पता चलेगा, जो जैसा करा होगा वैसा जो है मिलेगा ना। अच्छा, 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी, इस चीज को नहीं कह सकते हैं। 380 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। मोदी जी लगातार कह रहे 400 पार वो कह रहे हैं ना, कहने कहने शादी हो जाती है। अच्छा, 10 एडवर्टाइज करेंगे भाई उनका लड़का बहुत अच्छा है, तो ऐसे करते करते तो लोग देखने भी पहुंच जाएंगे कि यार अच्छा है या वैसे बाहर लोग कहते हैं। अच्छा, उसके अंदर कुछ अच्छा ही दिखाई देगी तो बूथ पे पहुंचने के बाद। अच्छा, मोदी जी का अगर अच्छे काम है तो लोग जो है प्रशंसा करके वहाँ। 10 साल कैसे रहे? अच्छे रहे। अब अगर आपका घर, आपका पड़ोस, आपकी ब्लॉक अगर अच्छी रही तो आप अच्छा ही बोलेंगे ना। पूरे देश में भ्रमण करने के बाद कुल गंदगी हो लेकिन आपका क्षेत्र अच्छा रहा उस सरकार में, तो आप उस चीज को अच्छा ही बोलेंगे। पूरे भारत देश की बात करूँ? पूरे भारत देश की बात करेंगे, अच्छे दिन आए नहीं आए नागरिकों के? अगर एक्सेप्ट करें तो 10 साल में अच्छे भी दिन आए हैं, लेकिन लोग इस चीज पे एग्री नहीं होते। हाँ। निंदा तो हर एक की जाती है, निंदा तो अगर करना हो आपकी 10 अच्छाइयां बताने को बोला जाए तो 10 अच्छाइयां हम नहीं, लेकिन 10 बुराइयां बोलने को बोला जाए तो 10 बुराइयां आपकी शरीर में हम बता देंगे, इतनी इतनी आपके अंदर कमियां हैं। मोदी जी में तो कोई बुराई नहीं है, वो तो चेहरा 2014 से जब से आया तब से एक चेहरा, प्रधानमंत्री हम खुद भी लाइक करते हैं, दिल से लाइक करते हैं, अच्छा काम किया उन्होंने। लोग कहते हैं कि विष्णु का रूप है मोदी जी, भगवान की तुलना एक इंसान से नहीं की जा सकती। उनके नेता करते हैं लगातार कुछ, नेता करते हैं। ऐसा है अगर शिक्षा का बाउंड कर दिया जाता तो नेता भी न करते। अच्छा। कक्षा 8 पढ़े नेता, कक्षा 10 पढ़े नेता, तो यही इतना बोल सकते हैं ना। एक इंसान की तुलना एक भगवान से की जाए तो उनके नेता गलत कर रहे हैं इस तरीके तुलना करके, जितनी शिक्षा है उस हिसाब से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी का कुछ लग रहा है कि दोबारा आ पाएंगे पिच पर वापस या नहीं? अभी तो बहुत, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो से बहुत फर्क पड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ा है। केरला और कर्नाटका यहाँ पे कुछ सीटें उनको मिल सकती हैं पिछली बार की तरह। साउथ में भाजपा का कुछ है? हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषी राज्य में मोदी की विशेष चाहे लहर समझिए चाहे उनके काम समझिए, क्या कर्नाटका में बीजेपी जो केंद्र कोई योजना लागू करती है तो पूरे देश में लागू करती है, एक स्टेट में नहीं लागू करती। अगर आवास यूपी में मिले होंगे, बिहार में मिले होंगे, छत्तीसगढ़ में मिले होंगे, राजस्थान में मिले होंगे, तो क्या कर्नाटक में नहीं मिले होंगे? पर कर्नाटक में हमेशा से भाजपा का हाथ थोड़ा सा ढीला रहा है। जी जी, कर्नाटक साउथ में मैं बात कर रही हूँ। हाँ, साउथ में जगह नहीं बना पाए, इस बार बन जाएगी। जब अगर 3 सीट से 80 सीट वेस्ट बंगाल में हो सकती है तो साउथ में भी हो जाएगी। अच्छे काम अगर उनके नजर में आए, वहाँ के लोग ईमानदार भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन शुरू से कांग्रेस 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 करते आए हैं। दिया तो सब कुछ कांग्रेस का ही है, सरकार कांग्रेस की रही तो देगा कौन? BSP देगी कि सपा देगी कि भाजपा, कांग्रेस
बीजेपी देगी। जितनी योजना इंदिरा गांधी ने दी थी उनका सिर्फ नाम ही बदल के सरकार ही उन्हीं की दी। हाँ। तो देगा कौन, हम तो यही पूछ रहे हैं। विकास क्यों कहते हैं फिर मोदी जी के, विकास किया है भाजपा ने? मोदी ने कुछ और नहीं किया। हाँ। जो कांग्रेस उद्घाटन करके पत्थर गाड़ देती थी। हाँ। उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया, सुचारू ढंग से बढ़ाया। अच्छा, उन्होंने केवल वो तो कहते गड्ढे दिए सिर्फ कांग्रेस ने। कांग्रेस बोलती है गड्ढे दिए, नहीं भाजपा बोलती है कांग्रेस ने गड्ढे दिए। हाँ, कांग्रेस ने गड्ढे दिया है, सही कहा है उन्होंने। उसमें इंजीनियर का कमीशन, मंत्री का कमीशन, सब कमीशन कमीशन में, तो जो बिल्डर वो कौन सा काम करके देगा सड़क का? छह महीने के बाद सड़क उखड़ जा रही है, तो फिर वही हकने के लिए बीजेपी को यही दिया। लेकिन अब यही दिल्ली स्टडी है, आप जितने रूड हैं। अच्छा, बच्चे हैं आपके तो रोजगार मिल रहा है? बच्चे नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट सर्विस ही गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी। हाँ, डबल इनकम है बच्चों की, डबल इनकम। हाँ। चोरी के पैसे का हमारे उसमें वो नहीं है। नहीं, मोदी जी ने कहा था ना डबल इनकम हो रही है सबकी, डबल इनकम। हाँ। जो मिल रहा है वो अपने बच्चों को भरण पोषण कर ले, बस बहुत बड़ी बात है। डबल इनकम नहीं हो रही है, डबल इनकम कहीं डकैती मारेगा? नहीं, मोदी जी ने तो कहा था। क्यों मोदी जी का बेटा बार बार, मोदी ने डबल इनकम नहीं कहा था किसानों की? डबल इंजन की सरकार। अच्छा, है। हमने सोचा डबल इनकम बोल रही है। डबल इनकम भी है, तेरे जीएसटी अगर लागू करिए तो डबल इनकम भी तो बढ़ी है ना लोगों की। वहाँ तक तो जानकारी नहीं, डबल इनकम कहाँ से बढ़ गई? हाँ, चलिए चाचा ये बताइए कि मेरा हो ओनली कांग्रेस है। कांग्रेस आपकी? जी जी। आप किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी साहब। नरेंद्र मोदी साहब। हाँ। अच्छा, पहले चरण के चुनाव हो गए हैं, क्या लग रहा है कहाँ रुझान जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है? देखिए, चाहे जहाँ भी जाए लेकिन लास्ट में पता चलेगा नरेंद्र मोदी साहब का ही बहुमत से सरकार बना। हाँ जी, बस मोदी मोदी सारा देश तो मोदी में है, मोदी मोदी सारा देश कह रहा है। इस बार विपक्ष के भाषा मुक्त कर रहे हैं वो, कहने वाले कहते रहेंगे, कहने दस मुंह दस तरह का बात, बोलने से कुछ नहीं होता है। सब कोई चाहते हैं नरेंद्र मोदी साहब को, अपना दिल दे बैठे हैं नरेंद्र मोदी साहब को। अच्छा। हाँ जी, नरेंद्र मोदी साहब को यहाँ का देशवासी अपना दिल दे दिए हैं। बोला और कितना दिल जीतिएगा, दिल एक ही तो दिल है मोदी जी, दिल के अलावा और क्या चाहिए? वो भी बोलिए वो भी दे देते, दिल गुर्दा फेफड़ा जो बोलिए सब दे देते। दिल कितना काम की करे तो जनता के लिए काम हुआ? अरे काम है, काम है, इतना काम है कि अभी बताने से रात हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पांच बता देते जब इतना बोल रहे। आज 500 साल से श्री राम प्रभु मुजरिम की तरह टेंट में रहते थे। किसी भी प्रधानमंत्री 17-18 प्रधानमंत्री भारत में चेंज हुए, किसी का हिम्मत नहीं था कि उधर जाने का, औकात नहीं था। आज खेल खेल में मंदिर रिपेयरिंग करके दे दिए हिंदुओं का मंदिर को, सबसे विरासत प्रमुख विरासत को उसको रिपेयरिंग करके दे दिए। 370 होती थी ना, आज 370 खत्म हो गया। पत्थरबाजी होती थी, पत्थरबाजी खत्म हो गया। आपको जो है वहां पर देश जो है ना बारूद के ढेर में बैठा हुआ था, चाइना पाकिस्तान का अटैक कर देता। मनमोहन सिंह कहता था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे ना 10 साल, वो कहते थे कि हम हाँ बता रहा हूँ ना, रोजगार चाहिए आपको। कांग्रेस 70 साल से पाल के रखी है घुसपैठियों को, 10 करोड़ घुसपैठिया घुसा हुआ है। 30 रुपए किलो अनाज खरीद करके उसको 2 रुपया में देना पड़ता है, तो देश का सारा संसाधन तो वो खा जा रहे हैं, तो कहाँ से नौकरी मिलेगा? माँ पिताजी का विरासत का काम जो है ना आज के बच्चे युवा पीढ़ी करना नहीं चाहते हैं। जिस किसी का राजमिस्त्री का काम है, किसी का हलवाई का काम है, किसी का रेफ्रिजरेटर ठीक करने का काम है, किसी का सुनार का काम है, तो अपना पैतृक विरासत वाला काम करना नहीं चाहते। सबको चाहिए वीआईपी काम, चाहिए नौकरी, चाहिए सरकारी नौकरी, चाहिए नौकर बनना चाहते हैं, बस मालिक नहीं बनना चाहते। अरे आप कोई भी बिजनेस करिएगा, मालिक बन करके रहो ना, क्यों नौकरी के पीछे भाग रहे हो? मोदी जी ने तो अपना स्किल इंडिया भी खोला था कि युवाओं को स्किल सिखाएंगे। सब देखिए, स्किल इंडिया भी खोल दिया, युवा रोजगार भी है। 3 साल में बच्चा जो है ना पैदा लेता है ना 9 महीना के बाद में, तो दौड़ने नहीं लगता, टप 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 दौड़ने नहीं लगता है, बता रहा हूँ ना। 3 साल हुआ नरेंद्र मोदी साहब को, 3 साल में कितना विकास चाहिए आपको? 3 साल तो कोरोना काल में निकल गया, 3 साल लग जाता समझने में सिस्टम को। हाँ तो निकल गया ना, 3 साल सब घर में बंद थे ना, कोई काम हुआ कहाँ? कोई काम नहीं हुआ उस समय। अभी देखिए सब जो है ना 3 साल कोई भी सिस्टम को समझने में लग जाता है, चाहे आप कोई हवाई जहाज हो, ट्रेन हो, या इतना बड़ा देश को चलाना हो, तो उसको कहाँ कहाँ गड्ढा कहाँ कहाँ छेदा करके रखा है। 3 चीज चलती है, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टिकरण, आज तक कांग्रेस करती आई है, अभी कभी अपना प्रेसिडेंट तक चेंज नहीं कर पाया।
तो वो चीज को समझने में 3 साल लगेगा ना। परिवार ने देश को आजादी दिलाई है, कुछ आजादी नहीं दिलाया, झूठ बोलता है। आजादी दिलाने वाले 22 साल का नौजवान वो कौन थे जो फांसी पे झूल गए? ये जाकर के वहां बम फोड़ करके आए उधम सिंह जी, वो इंग्लैंड में मार करके आए, उसको शहीद हो गए। और ये माने राजगुरु भगत सिंह, हाँ ये सब जो कम उम्र का लड़का फांसी पे लटक गए, वो उनका कोई रोल नहीं था? चंद्रशेखर आजाद 25,000 माने फौज बनाए थे, भारत छोड़ो आंदोलन 25,000 फौज बनाए थे, दिल्ली चलो का आंदोलन दिए थे, नारा दिए थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये बताइए भारत छोड़ो यात्रा करिए तो राहुल गांधी उससे संजीदा हुए या नहीं हुए? भारत जोड़ो नहीं न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो परिवार बचाओ न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, गांधी बचाओ परिवार बचाओ उसमें लगे हुए हैं, इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। ये बोल रहे हैं भैया कैसे भी बचा लो भाई, मेरा परिवार बचा लो, मेरा परिवार गांधीवाद को बचा लो, गांधी तो सारा देश कह रहा है नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, और नहीं चाहिए, पक गए हैं। सारा संसाधन अपना पिताजी का विरासत समझते हैं, जो रोड देखिए वही गांधी रोड, जो स्कूल देखिए वो गांधी स्कूल, जो मैदान देखिए गांधी मैदान, जो हॉस्पिटल देखिए गांधी हॉस्पिटल, जो एयरपोर्ट देखिए गांधी एयरपोर्ट, नेहरू गांधी नेहरू गांधी नेहरू गांधी, इससे कुछ तो इनको जो है ना देश से निकाल के फेंकना है। हाँ देश पक गया है इनको सुन सुन करके, सारा संसाधन साफ बन करके बैठे हुए हैं सारा संसाधन पर, तो देश को ये लड़वाने का काम करते। 3 चीज चलती है इनके यहाँ, परिवारवाद जातिवाद तुष्टिकरण, इससे ऊपर उठ ही नहीं पाए, अपना प्रेजिडेंट तक चेंज नहीं कर पाए, खाली परिवार में ही लटक के रह गए। तो बीजेपी खिंचाई किया तब जाके खड़गे जी को दिया। हाँ जी आर या पार का चुनाव है मैडम, आर या पार का। ये अगर मोदी जी जीत गए तो जितना ठगबंधन चोर लबाड़े खत्म, और अगर ये मोदी जी अगर हार गए तो सारा सनातन खत्म, ये आखिरी है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, चांदनी चौक में मौजूद थे। देखना ये योगा के 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, सबकी नजर इसी पर रहेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार।